नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य की कक्षा में हमारा पाठ सूरदास चल रहा था, उसके 3 नंबर और 4 नंबर पद की व्याख्या आज हम करेंगे। सूरदास जी के भ्रमर गीत सार से ये पद लिए गए हैं और इन पदों में क्या है, गोपियाँ उद्धव को योग का संदेश न देने की बात करती हैं। जो हमारा तीसरा पद है उस पद में गोपियाँ उद्धव से बुरा न मानने की बात कहते हुए मथुरा को काजल की कोठरी के समान बताती हैं और श्री कृष्ण के गुणों की क्या करती हैं, वे व्याख्या करती हुई कहती हैं कि वे क्या हैं, न्यारे हैं। तो कहती हैं बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे, कि उद्धव तुम बिलग मैंने बुरा मत मानना। कहती हैं क्या, वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवई ते कारे, वह जो मथुरा है वह काजल की कोठरी है। इसमें जो भी आते हैं, माने इसमें मतलब यहाँ से जो भी आते हैं वे काले ही काले हैं। क्या कहना चाहती है कि उद्धव से गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुम बुरा मत मानना, हम तुमसे एक बात कहना चाहती हैं। वो बात ये है कि मथुरा जो है वह एक काजल की कोठरी है और वहाँ से जो भी आते हैं वो काले ही आते हैं। देखो जो काजल की कोठरी होती है उसमें से जो जाता है वो कालस माने काला रंग उसके जरूर लग जाता है और मथुरा को भी वही कोठरी यहाँ पर गोपियाँ बताती हैं। कहती हैं कि तुम कारे माने तुम तो काले हो। अब वो बता रही हैं कि काले कौन कौन, कि तुम कहाँ से आए, मथुरा से आए, तुम भी क्या हो, कारे हो। सुफल लख सुत कारे और कौन है, अक्रूर जी जो बलराम जी और कृष्ण जी को लेके गए थे यहाँ से मथुरा, वे भी क्या थे, कारे थे। कारे मधु पवारे और जो ये मधु मैंने जो रस के लोभी रस के लालची, बवारे मैंने बौरे, क्या ये जो बौरे देख रहे हो ये रस के लालची बौरे भी क्या हैं, काले हैं। तो कालों की यहाँ पर उन्होंने क्या बता दी, संख्या भी बता दी भी काले कौन कौन से आने वाले हैं। आगे कहती हैं तिनके संग अधिक छवि उपजत, क्या तिनके जिनके संग में अधिक छवि मैंने ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या मैंने छवि मैंने उनकी शोभा अच्छी लगती है। कमल नैन मैंने कमल के समान नेत्रों वाले कौन, कृष्ण जी। कहते हैं मनी यारे मनी किसी चमक वाले मैंने मनी रत्नों की चमक देने के समान जो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण, कमल नेत्र वाले के कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, मनी किसी चमक देने वाले कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की छवि उन लोगों के संग मैंने उनके संग क्या लगती है, अधिक लगती, अच्छी सुंदर शोभा लगती है। भी ये जो कमल के समान नेत्र भगवान श्री कृष्ण इन कालों के बीच में क्या देते हैं, शोभा देते हैं। आगे कहते हैं कि वो काले कैसे हैं, तो बताती हैं गोपियाँ मानो नील माट ते काडे। नील माट का मतलब नील का पौधा होता है जिसे नीला रंग तैयार किया जाता है। माट मैंने एक चौड़े मुँह का पात्र जिसे हम कह सकते हैं, मिट्टी का बर्तन जिसे कह सकते हैं। ते काडे ऐसा लगता है जिसे मथुरा वासियों को उस नील के पात्र में से निकाल दिया गया, वो मैंने उसमें से डुबो करके निकालने की बात की है। फिर कहते हैं ले जमुना जाए पखारे और ले जा कर के यमुना नदी में क्या किया जाए, पखारे मैंने उन्हें धो दिया गया हो। फिर कहते हैं तागुण श्याम बई कालंदी, तागुण उस गुण के कारण सांवली हो गई है कौन, कालिंदी मैंने यमुना, क्या कि उस गुण के कारण जो यमुना नदी है वो क्या हो गई है, सांवली हो गई है। कहने का मतलब पूरी पंक्ति का भावार्थ क्या है कि यह मथुरा वासियों कालापन जो है और उसके कारण यमुना पर प्रभाव क्या पड़ा, कहती है कि मथुरा वासियों को नील के बड़े पात्र में से डुबो करके यमुना में जा करके धो दिया गया, जिसके कारण यमुना का रंग भी क्या हो गया, काला हो गया है। क्योंकि यमुना का जल पहले मथुरा में आता है, उसके बाद कहाँ आता है, उनके ब्रज गोकुल में आता है। आगे कहते हैं सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं, मैंने जो श्याम के जो गुण हैं वो कैसे हैं, वो गुण न्यारे हैं और इसी न्यारे गुण के कारण वे क्या हैं, उनकी क्या हो गई है, उपासिका हो गई है, उनकी प्रियतमा प्रेमिका बन गई है। इसलिए वो कहती हैं कि वो उनके गुण न्यारे हैं, इसीलिए वो कहाँ हैं, मथुरा के अंदर विराज रहे हैं और उन कारों के बीच में क्या कर रहे हैं, अपनी शोभा को बढ़ा रहे हैं। हमारा चौथा पद है सूरदास जी का, चौथे पद में क्या है, अखियां हरि दर्शन की भूखी,
आंखें क्या है? हरि दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की क्या है? लालायित है। इस पद में दर्शन की इच्छा यहाँ पर गोपियाँ बताती हैं, और दर्शन भी कैसा है? वो कहती हैं कि ऐसा मुख का दर्शन हमें चाहिए जिसे क्या हो कि वह मुख जिसे दोनों पत्तों के दोनों में दूध धू कर के, और भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण उसका क्या कर रहे हो? पान कर रहे हो। ऐसे मुख की छवि के दर्शन वो यहाँ पर कामना करती है। तो कहती है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आंखें क्या है? हरि मैंने भगवान कृष्ण के दर्शन की भूखी, मैंने उनके लिए लालायित हैं, उसके लिए वे तीव्र गति से क्या कर रही हैं? उस समय का इंतजार कर रही हैं। आगे कहती है कैसे रहे रूप रस रांची, तीन शब्द हैं रूप रस और रांची। रूप मैंने सुंदरता होती है, रस मैंने आनंद देने वाले, रांची मैंने डूबी। क्या अब हमें बताओ हम कैसे उनके रूप मैंने उसके सुंदरता के रस के रस के सुंदरता के आनंद में हम क्या करें? रच जाएं, बस जाएं, डूब जाएं। ये बत्तियाँ कौन सी? तो योग संदेश वाली बत्तियाँ हैं। क्या सुनी हैं मैंने रूखी मैंने नीरस हैं। आप हमें ये जो योग संदेश रूपी नीरस बातें सुना रहे हो, इसमें तो हमें ये रूप रस का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं होगा, हम डूब नहीं पाएंगी। आगे कहते हैं अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं चूकी। कहती हैं गोपियाँ कि अवधि गणत, अब तक अवधि थी, अवधि मैंने समय कौन सा लौट करके आने का, गणत मैंने गिनती थी, इकटक मैंने अपलक, मग मैंने रस्ते को, जोवत मैंने जोहना वाट देखना। क्या गोपियाँ को जब पता चला कि ये योग का संदेश रूखा संदेश हमें सुनाया जा रहा है, और उस संदेश में हमें क्या नहीं है, उस रूप रस लावण्य का क्या है, सुंदरता का बोध नहीं हो रहा, उस सुंदरता का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का हमें आनंद नहीं मिल रहा है, उसमें नहीं डूब पा रही हैं, तब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब तक तो हमें क्या थी, इंतजार था, उनका मार्ग देखती थी, क्या नहीं हुई, तब एती नहीं झुकी, अब तक तो हम क्या नहीं हुई, इतनी नहीं झुकी का मतलब झुंझलाई, खीज नहीं चढ़ी हमें कि हम श्री कृष्ण आएंगे और हम उनके रूप के दर्शन करेंगे, उनकी सुंदरता के दर्शन करेंगे, उनका मुख देखेंगे, हम हमारे साथ वो खेल क्रियाएँ करेंगे, हम जो रास लीलाएँ करते थे वो लीलाएँ करेंगे। हमें अब तक अब क्या थी, यह बात निश्चित थी। तो कहती है कि अभी तक तो हमें इतनी झुंझलाहट खीज नहीं आई, अब तक हमें यह था, ये उम्मीद थी, ये आस थी कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। अब इन योग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, अब इन योग के संदोष के कारण उद्धव अति व्याकुल हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। क्या हो गई हैं? हम बहुत ज्यादा बेचैन हैं, दुखी हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पे पीवत पतोकी, बारक एक बार वह मुख फिर से हमें दिखा दो। उद्धव कहती है अगर व्याकुल दुखी हो गई हैं, उद्धव एक बार हमें वह मुख फिर से दिखा दो, कौन सा? दूही पय पीवत पतोखी, दूही मैंने दूह करके, पय मैंने दूध, पीवत मैंने पीते हैं, कौन पतोखी? मैंने दोनों में, पत्तों के दोनों में, कि हमें एक बार वह मुख अवश्य दिखा दो जिसमें भगवान श्री कृष्ण पत्तों में क्या पीते हैं, दूध दूह करके पीते हैं। अंत में गोपियाँ कहती हैं की विनती करती हैं सूरदास जी के माध्यम से, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि सिकत हटी नाव चलायो, सिकत मैंने रेत पर, हटी मैंने बलपूर्वक, हट से जिद से नाव चलाते हैं, ये सरिता सु ये नदी क्या है, सूखी है। क्या सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं उद्धव तुम तो रेत में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो, ये जो नदी है, जो आप नदी देख रहे हो, ये नदी तो सूखी है। अब यहाँ पर नदी का मतलब गोपियों का हृदय है, और सूखा है अर्थात उसमें क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति ही है। ये योग रूपी जो संदेश तुम देना चाहते हो, ये योग रूपी नाव इस रेत पर चलने वाली नहीं है। कहती है कि गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो व्यर्थ में ही नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो, ये जो हमारा जो हृदय है भगवान श्री कृष्ण के रूप लावण्य लावण्य का है, हम भक्ति में सगुण मार्गी हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की क्या है आकांक्षा है, उनके दर्शन की आकांक्षा रखती हैं, परंतु ये जो तुम योग रूपी जो नाव चलाना चाहते हो, ये हमारे हृदय में क्या है, चलने वाली नहीं है।
इस प्रकार गोपियाँ यहाँ पर उसे वो उद्धव को योग का संदेश न सुनाने की बार बार क्या करती हैं, विनती करती हैं। इन दोनों पदों में हमें यही देखने को मिल रहा है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है, उनके रूप रूप से लावण्य में डूबी हुई हैं, वे उनके के प्रेम उपासक हैं और योग का निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान जो है उनके लिए नीरस है, वह ज्ञान उनके लिए उपयोगी नहीं है। उस ज्ञान को वे क्या नहीं कर सकती, ग्रहण भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अब वे अपना हृदय जो है वो भगवान श्री कृष्ण को दे चुकी हैं और उनका हृदय अब क्या है, खाली है, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। इस प्रकार ये दोनों पदों की व्याख्या आज हमने की, समझी, इन्हें पढ़े, बार बार अभ्यास करें। दो पद और रह गए हैं अगली कक्षा में, आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।